देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन दिस इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन ठीक है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन दिस इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस ये क्या क्वेश्चन हुआ फाइंड द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन मतलब हमें ये लाइन चाहिए एंड द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिट्वीन द एक्सेस ठीक है इसका मतलब है ये मिड पॉइंट दिया हुआ है मतलब जो हमारी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन है जो हमें निकालनी है वो इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस ऑफ दिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही तो हमें तो ये जीरो जीरो से पास होने वाली लाइन है ठीक है हमें एक पॉइंट तो ये दिखाई पड़ ही रहा है और दूसरा पॉइंट हम कहा से निकाल लेंगे हमें इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो एल जो है एल से मिड uh, पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है मतलब क्या अगर हमने अपनी इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा वाई इक्वल टू जीरो इसमें वाई इक्वल टू जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस सी बाय ठीक है इसका मतलब हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए माइनस सी बाय जीरो और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे एक्स जीरो करो एक्स जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस सी बाई बी ठीक है तो के के uh, बस दो पॉइंट आ गए यू आर डन कैसे करेंगे y माइनस वाई वन वाई वन हमने एक्स वन वाई वन को जीरो जीरोक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन ठीक है तो वाई इज इक्वल टू ये माइनस माइनस सी से सी कट गया टू भी गायब हो गया ए ऊपर बी नीचे और एक्स यानी कि बी वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो या ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो ओके जिसका डाउट थोड़ा तो सा क्लियर है ठीक है तो देखो अभी एनसीआरटी के दो डाउट है वो देख लेते हैं तो देखो लाइन लाइन परपेंडिकुलर टू तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट वन कॉमा जीरो तो हमने ये लाइन सेगमेंट ए भी ले लिया ठीक है और हमें क्या चाहिए इसके परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट चाहिए जो हमारी इस लाइन सेगमेंट को वन एस टू तो एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है यानी हमें ये लाइन चाहिए ठीक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो हमारी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डीज टू गिवन पॉइंट्स को वन एस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमारी गिवन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी है तो बस अगर हमें लाइन चाहिए तो हमें क्या चीजें चाहिए हमें ला में पॉइंट चाहिए हमें स्लोप चाहिए बस पॉइंट के लिए हमें सेक्शन फार्मूला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ठीक है और कॉर्डिनेट्स भी अवेलेबल है तो पॉइंट पी के कॉर्डिनेट्स लिख लेते हैं सेक्शन फार्मूला से तो वन इंटू टू हो जाएगा वन लिखोगे तो टू से मल्टीप्लाई करोगे एन लिखोगे तो वन से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है और अपॉन में वन प्लस एन कॉमर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वन से थ्री को मल्टीप्लाई एन से जीरो को मल्टीप्लाई अपॉन वन प्लस और हमें पॉइंट मिल गया एन के टर्म्स में आ रहा है आने दो क्यों क्योंकि एन तो गिवन हो गया गिवन एक गिवन वैल्यू है ठीक है और हमें क्या चाहिए दूसरा पर स्लोप चाहिए स्लोप कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर से ठीक है स्लोप ऑफ ए बी लिख लो एक बार

ठीक है इसको वन प्लस एन हर जगह से कट जाएगा एलसीएम लोगे तो और बाकी एक्स को वाई को एक साथ करके लिख लेना ठीक है और एक तुमने बोला फिफ्टीन हाँ ठीक है फिफ्टीन देखते क्या है फ्रॉम ओरिजिन टू इट एट क्या लिखा है? Line. एक line है हमारे पास जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है अब इसके बारे में हमें गिवन क्या है कि अगर हम ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कहाँ पर मिल मिलता है कहाँ पे मीट हो रहा है कहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है माइनस टू कॉमा नाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है तो हमें एल की वैल्यू चाहिए L की इक्वेशन चाहिए तो कैसे लिखोगे फिर से अभी दो चीजों पे फोकस करना है एक पॉइंट और एक स्लोप दोनों चीजें दिखाई पड़ रही हैं एल पे पॉइंट ये हो गया और स्लोप भी दिखाई पड़ रहा है अगर हम ओपी का स्लोप लिख लें तो हमें एल का स्लोप मिल जाएगा क्यों है चिंता हो जाएगा ठीक है तो बस ये ऐसे कर लेना फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म ओके okay. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और किसी का कोई डाउट तो नहीं है अच्छा कौन डिस्कनेक्ट हुआ है खुशी आ गए अभी ओके ओके okay, okay. ठीक है अच्छा देखो बच्चों अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे अभी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ठीक है तो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पॉइंट हमने इसे एक्स वन बाय वन ले लिया फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और अब से लेके ट्वेल्थ तक ये यूज होता ही रहता है नाव एंड देन ये यूज होता ही रहता है ठीक है इसलिए ध्यान से इसे समझ लो इसे मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगी पहले और फिर तुम याद रख लेना ठीक है अब करना क्या है हमने ये पॉइंट ले लिया से दिस इज हियर नेम कर दिया पी ठीक है और ये लाइन ले ली लाइन हमने ले ली से दिस इज अवर लाइन दिस इज इन द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक है जनरल फॉर्म अच्छा हमें क्या चाहिए इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस अब देखो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस बहुत तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या है हम वी ऑलवेज फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अनटिल एंड अनलेस कुछ तुम्हें स्पेसिफिक कंडीशन ना दी हो ठीक है तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कहा नहीं जाता है तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे ठीक है अब ये निकाला कैसे जाए मैंने क्या किया से हमारी लाइन एक्स एक्सेस को पॉइंट ए और वाई एक्सेस को बी पर कट कर रही है ठीक है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे देखो बहुत बार निकाल चुके हैं वाई को जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो ठीक है और अगर b के निकालने हैं तो x को जीरो करोगे तो अब क्या हो जाएगा माइनस सी बाई भी ठीक है अब हमने मैंने क्या किया b से p को एंड a से p को ज्वाइन कर दिया ओके okay, हमें ट्रायंगल ए बी पी दिखाई पड़ रहा है ठीक है अब अगर तुम्हें पीएम निकालना है तो पीएम ट्रायंगल की किस प्रॉपर्टी से इन्वॉल्व होगा मतलब हम ट्रायंगल का क्या कंसीडर करें कि हमें पीएम की वैल्यू मिले एरिया क्यों भाई ट्राइंगल का एरिया हम कैसे लिखते हैं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस बेस इज ए बी हाइट इज पी एम ठीक है base, और हम एरिया एक और तरीके से भी लिख सकते हैं वी हैव स्टेयर मेथड या फिर हमारे पास डिटर्मिनेट मेथड भी है या फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके एरिया निकालने के हमने डिस्कस किए हुए हैं लेकिन हम यहाँ पे स्टेयर मेथड यूज करेंगे ठीक है तो एरिया निकालने का एक तरीका तो ये लिखा जिसमें पीएम इन्वॉल्व हो गया ठीक है और एक तरीका मैंने स्टेयर मैथड से एरिया लिख दिया स्टेयर मैथड में क्या करते हैं हम वर्टेसिस को एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो वैसे लिख लेते हैं ठीक है तो जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो एक्स वन वाई वन और फिर पहली रो रिपीट याद आ गया बच्चों अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक मिनट हाँ आ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी ये लेफ्ट टू राइट है बच्चों उल्टा बोल रही थी मैं ठीक है लेफ्ट टू राइट अगर हम आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ ठीक है याद आ गया ओके okay, yes, और ma. हाँ और yes. ये हमारे पास मॉड लगा होता है इसके बाहर फाइन तो आप जरा एरिया लिख देते हैं तो वन बाई टू ए बी ए बी हो जाएगा हो जाएगा ए बी क्या है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगी ए बी की वैल्यू ये हो जाएगा रूट ओवर माइनस सी बाय ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ऑफ माइनस सी बाय बी का तो सी स्क्वायर स्क्वायर बाय बी आ ठीक है और राइट साइड में क्या है वन बाई टू है और मॉड ऑफ दिस तो इसको लिख लेते हैं एक बार तो जीरो इंटू जीरो ओके यहाँ से आ जाएगा माइनस सी वाई वन अपॉन ए ठीक है फिर माइनस सी एक्स वन अपॉन बी और फिर माइनस लगा के हमें दूसरे साइड की वैल्यूज को ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा सी स्क्वा ये जीरो से सी स्क्वायर सी बाहर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए बी लिख देते हैं ठीक है एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा रूट के बाहर तो ए बी राइट right साइड में ये जो माइनस है ये सारे मॉड से बाहर कर दो तो मॉड ने एब्सॉर्ब कर लिया और हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा फिर से ए बी यहाँ और न्यूमरेटर से सी कॉमन ले लो तो क्या आएगा बी वाई वन आएगा ए एक्स वन बचेगा प्लस का सी आएगा ठीक है ये सी इस सी से कट जाएगा और ये ए बी इस, इस ए बी से कट जाएगा और देखो हमारे पास क्या आ गया अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हाँ राइट राइट मैंने पीएम तो लिखा ही नहीं जिसकी वैल्यू की जरूरत थी हमें ये मल्टीप्लाई में हाइट भी लिखी हुई है ठीक है तो पीएम की वैल्यू हमारे पास देखो क्या आ गई मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है चेक कर लो इसको नहीं मैं समझ में आ गया एक बार बस हेडिंग दिखा हाँ तो अगर हमारा पॉइंट वन कॉमा माइनस टू है ठीक है और लाइन है से थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस फोर और तुम्हें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का लाइन से ठीक है तो हम करेंगे क्या सबसे पहले हम अपनी लाइन को किस फॉर्म में लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो मतलब राइट हैंड साइड मस भी जीरो फॉर्म में लिखने के बाद अब तुम्हें क्या चाहिए फॉर्मुला लगाना है अब तो ठीक है डिस्टेंस लिखने के लिए तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हम कैसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स वन एंड वॉट इज ए इज एक्स का कोफिशंट फिशेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द लाइन ठीक है तो ए इंटू एक्स वन एक्स वन का मतलब क्या हो जाएगा एक्स वन इज एक्स एक्स कोर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वन ठीक है फिर बी वन प्लस का बी बी वाई लिखना होता है बी क्या है कोफिशंट ऑफ वाई तो माइनस फोर इंटू वाई वन वाई वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट तो ये हो जाएगा माइनस टू ठीक है प्लस सी यानी कि जो भी तुम्हारा कांस्टेंट है विद इट्स साइन तुम्हें यहाँ पे लिखना है मॉड लगा देना है और अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर ठीक है तो हमारे पास क्या आंसर आ गया दिस इज थ्री प्लस एट प्लस फोर अपॉन रूट नाइन प्लस सिक्सटीन तो ट्वेंटी फाइव तो कितनी वैल्यू आ गई फिफ्टीन अपॉन रूट ट्वेंटी फाइव मतलब फाइव आंसर थ्री यूनिट्स ठीक है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो ध्यान रखो यहाँ पे मॉड लगेगा और फॉर्मूला अभी मैंने लगाना सिखा दिया है इसको ठीक से समझ लो क्योंकि अब हम इसको इतनी जल्दी जल्दी यूज करेंगे कि दोबारा से नहीं बताऊंगी कि व्हाट इज ए व्हाट इज एक्स वन व्हाट इज बी व्हाट इज बाई वन व्हाट इज सी ठीक है तुम्हारा ये जो भी कॉन्स्टेंट है उसको अपने लेफ्ट में करो राइट साइड जीरो होने चाहिए फॉर्मूला लगाते समय जिससे कोई मिस्टेक ना हो ओके okay? तो ये लिख लो सब सपोज हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स distance बिटवीन टू पैरल लाइन्स ठीक है वैसे तो इसमें भी ये फॉर्मूला यूज होगा ठीक है जरा चेक करते हैं कैसे हमने दो लाइन्स ले ली विच आर पैरल से वन इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो देखो तो मैंने बताया है कि पैरल लाइन्स कैसे लिखते हैं पैरल लाइन्स कैसी लिखती हैं उसमें इतना पार्ट तो सेम ही होता है इसका मतलब है हम ए एक्स प्लस बी वाई तो लिखेंगे ही लिखेंगे साथ में बस कॉन्स्टेंट हमारा चेंज हो जाएगा ठीक है तो दिखाई पड़ रहा है कि यस दोनों लाइन्स कैसी है पैरल है ओके और हमें क्या चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दोनों पैरल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का मतलब है ऐसी लाइन जो दोनों पर परपेंडिकुलर और ये सेगमेंट की जो लेंथ होगी दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर डिस्टेंस होगा ऐसा अब देखो उसके लिए कैसे फॉर्मूला निकाला जाए मैंने ले लिया ये पॉइंट ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यों बच्चों एक पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है पॉइंट से लाइन का ठीक है और ये हमें पता है ये नाइन्टी डिग्री पर है ठीक है तो कैसे लिखोगे ए बी ए बी वुड बी मॉड ऑफ ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का कोफिशियंट तो ए एक्स वन हो जाएगा एक्स वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट प्लस बी वाई का कोफिशियंट वाई वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट प्लस सी वन और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है अच्छा आप जरा ध्यान से देखो ये जो एक्स वन वाई वन है वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे सेटिस्फाई करा देते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो से हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी वाई वन की वैल्यू क्या मिल गई माइनस सी के बराबर अब जरा इस वैल्यू को अपने इस डिस्टेंस में डाल देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मॉड ऑफ सी वन माइनस सी ठीक है मैंने इसके प्लेस पे माइनस सी डाला और फिर सी वन माइनस सी कर दिया और अपॉन में क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी ओके समझ में आ गया बच्चों अगर हमारे पास दो पैरल लाइंस हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे लिखेंगे हम उनके कांस्टेंट्स जो एडेड हैं उनको साइन के साथ तुम सी वन माइनस सी टू करोगे जो भी है कांस्टेंट ठीक है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है सपोज तुम्हारे पास एक लाइन लिखी और मैंने कहा इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालो देखते ही समझ में आ रहा है दे आर पैरल ठीक है तो आंसर कैसे लिखेंगे सी वन माइनस सी टू वॉट इज सी वन माइनस फाइव माइनस सी टू सी टू इज माइनस टेन मतलब माइनस ऑफ सी टू मतलब प्लस uh, साइन के साथ ही आ जाएगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली माइनस साइन है ओके okay. और अपॉन में रूट ओवर फोर प्लस नाइन मतलब साइन को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा सी वन इज माइनस फाइव सी टू इज टेन हमने फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है सी वन माइनस सी टू के हिसाब से और मॉड लगा हुआ है तो ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा ठीक है ओके okay. तो आंसर कितना आ जाएगा फिफ्टीन अपॉन रूट थर्टीन इतने यूनिट्स अभी ना यस मैम ठीक है तो आगे बढ़े आप तो हमने दो फॉर्मूले करे और जरा अब इनको यूज करके क्वेश्चंस करते हैं I'm थोड़ा सा जूमआउट करता हूँ अच्छा ठीक है देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक देखो इसी ये परपेंडिकुलर लाइन वाला ठीक है इसका क्वेश्चन तुम्हारे एनसीआर तुम्हारे जो स्कूल uh, एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते ही आते हैं जितने क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तुम समझ लो सबके स्कूल में उसमें से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा ठीक है आउट क्वेश्चन होते हैं अब जरा चेक करो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पी एन क्यू आर देंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन्स एक लाइन ये दी हुई है एंड वन लाइन इज दिस रिस्पेक्टिवली एंड प्रूव दैट दिस स्क्वायर प्लस फोर क्यू पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर इज के स्क्वायर ठीक है फॉर्मूला सेम लगाना है बट कैलकुलेशंस के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट uh, है तो वो चेक कर लेते हैं अब हमें लाइन एक लाइन क्या दी हुई है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई थीटा माइनस के कॉस थीटा इक्वल टू जीरो मैंने लाइन का राइट साइड जीरो करके लिख लिया और दूसरी लाइन भी ऐसे लिख लेते हैं एक्स सेक थीटा प्लस वाई को सेटा माइनस के इक्वल टू जीरो अब तुम्हें करना क्या है ओरिजिन से हम इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो पी के बराबर है और अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखेंगे तो वो क्यू के बराबर है ठीक है तो लिख कर दो तो ओरिजिन इज द पॉइंट ये हमारा एक्स वन वाई वन के प्लेस पर वैल्यू हो गई ठीक है और a x वन b y वन में जो a b और c है वो क्या है हमारे लाइन के x y वन कॉन्स्टेंट टर्म्स ठीक है तो शुरू करो फॉर्मूला लगाना तो व्हाट इज p ये हो जाएगा a मतलब कोस थीटा इनटू x वन मतलब जीरो b तो माइनस साइन थीटा इनटू y वन मतलब जीरो प्लस c तो माइनस k कोस टू थीटा आ गया यहाँ पे अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब लिख रहे हैं ठीक है तो ए मतलब सेक्ट थीटा इंटू जीरो प्लस बी यानी की कॉसेक थीटा इंटू जीरो और सी यानी माइनस के मॉड ऑफ दैट और अपॉन में रूट ओवर सेक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है ये, जीरो, ये जीरो, माइनस लगा हुआ है तो ये मॉड टू जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वन हो गया ठीक है एंड व्हाट इज क्यू क्यू में मॉड ऑफ के बचेगा अपॉन में रूट ओवर सेक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख लेते हैं और यहां पर ठीक है ओके तो अब जरा देखो हमें किस एक्सप्रेशन को स्क्वायर 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 के बराबर लाना है P को ठीक है अगर ये जे में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे पास के स्क्वायर के टर्म में चार ऑप्शन होंगे ठीक है कि एक के स्क्वायर लिख दिया एक के स्क्वायर बाय फोर लिख दिया एक के स्क्वायर बाय टू लिख दिया एक टू के लिख दिया टू के स्क्वायर लिख दिया तो इस तरह के ऑप्शन होंगे ठीक है तो एनी anyway, वे अगर तुम फोर पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर को इस तरीके से अरेंज करोगे बेसिकली पी और क्यू को तो देखो क्या बनता है पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्तर पी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा ठीक है मैंने मॉड हटा दिया बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं ठीक है फोर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्र क्यू स्क्वायर करोगे देखो क्या हो जाएगा एक बार क्यू को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर के मॉड में है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्सियम आएगा ऊपर जाके साइन थीटा कॉस थीटा है ठीक है मॉड भी लगा सकते हो क्योंकि स्क्वायर से बाहर कर रहे हैं और नीचे आ जाएगा वन क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा ठीक है तो फोर क्यू स्क्वायर में क्या आएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ठीक है बच्चों अगर हम फोर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ कर दे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर टू थीटा मिलेगा या नहीं क्यों अचिंत याद आया साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा ठीक है और अगर तुमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे फोर कॉस साइन स्क्वायर आएगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी साइन स्क्वायर टू थीटा के क्यों चिंते अरे बोलो भाई कहाँ चले गए समझ आ गया शिवम बच्चों रिप्लाई क्या करो तुरंत ठीक है ऐसे मेरे को पता रहता है कि बच्चे क्लास में हैं और सिंसियरली बैठे हैं हाँ 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 अच्छा अच्छा नहीं उस समय नहीं आई थी अभी आ गई ठीक है सबको समझ आ गया, गया क्वेश्चन ओके ओके नोट कर लो भाई तुम्हें पी जो दिया हुआ है क्या दिया है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन उस इंटरसेप्स और और बी, मतलब अगर हमारी ये लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट हमने ए ले लिया तो ये ए खमा जीरो वाई इंटरसेप्ट बी ले लिया तो ये जीरो बी से पास हो रही होगी एंड वी नो हाउ टू राइट दिस लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन ठीक है अब हमें पी पर पेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है कहाँ से ओरिजिन से इस लाइन पर ठीक है और हमें देखो पी ए बी में ही रिलेशन लिखना है ठीक है ये प्रूफ करना है तो एक काम करते हैं Uh, सबसे पहले लाइन को किस फॉर्म में लिख लें राइट साइड जीरो करके ठीक है तो एलसीएम ले लो यहाँ इक्वल टू जीरो अब हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे तो कैसे लिखोगे पॉइंट हमारा एक्स वन वाई वन जो है वो क्या है अभी जीरो जीरो तो एक्स वन मतलब बी इंटू जीरो प्लस बी वाई वन मतलब ए इंटू जीरो प्लस सी मतलब माइनस ए बी जैसा साइन है उसके साथ हमें सी की वैल्यू रखनी होती है अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा बी स्क्र प्लस ए स्क्वायर और ये किसके बराबर कर देंगे पी के बराबर जो हमें प्रूफ करना है उसमें पी स्क्वायर दिख रहा है और वो भी रेसी में दिख रहा है ठीक है तो अब उसी तरीके का फॉर्मेट तुम्हें यहाँ पे लेकर आना है मॉड से बाहर ए भी आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली तुम्हें ऐसे लिखा हुआ है और अपॉन में रूट ओवर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये पी ठीक है पी स्क्वायर से नजर आ रहा है हमें स्क्वायर करना है और पी को रेसिप्रोकल भी करना है तो कर दो ठीक है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर भी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और रेसिप्रोकल भी लेंगे ठीक है तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और राइट right साइड हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर डिवाइड कर दो जरा यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल गिव यू वन अपॉन ए स्क्वायर एंड वेन यू डिवाइड ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर तो यू विल हैव अपॉन स्क्वायर राइट साइड वन अपॉन पी स्क्वायर देखो यही लाना था ओके प्रथम ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है अभी एक सेकेंड रुको अभी सिमिलर सा क्वेश्चन हमें और करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दिस वन ठीक है पढ़ो एक बार क्यों बच्चों है ना सेम क्वेश्चन बस इस बार तुम्हें क्या दिया हुआ है जो लाइन है वो तुम्हें पहले निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन फिर से वही है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन द तुम लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट जो है वो uh, कैसे लिखते हैं टू पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो यहाँ पे और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ठीक है बट यहाँ पर एक्चुअली जो ये जो आंसर आता है वो बहुत कंसाइज फॉर्म में आता है तो उस फॉर्म तक लाने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है ठीक है तो एक काम करते हैं ये हम फटाफट करके देख लेते हैं तुम लोग समझते जाओ और जहां पे किसी को दिक्कत आए वो बता देना ठीक है तो सबसे पहले हम लाइन ए बी लिखेंगे मैंने लिख दिया वाई माइनस वाई वन मतलब साइन थीटा ले लिया इसको पॉइंट ठीक है इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा ठीक है अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाईड फॉर्म में कन्वर्ट करो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे सी डी वाले फॉर्मूले लगा दें कुछ याद आ रहा है बच्चों है ना साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था टू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन फाइव माइनस थीटा थी टू अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टू साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी कर देते दे थे तो थीटा माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा बच्चों देखो फॉर्मूले फिर से यहाँ पर यूज़ हो अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसे वापस रिवाइज़ करो करो और याद करो जिससे हाँ पे तो ये ये तो बट एक माइनस साइन आ जाएगा ये क्यों क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है मैंने एक माइनस कॉमन लिया और फिर दोनों को कैंसिल कर दिया माइनस बाहर है ठीक है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा और जो ये माइनस का दिस है वो मैं इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगी ठीक है तो तुम्हें तो क्या टू माइनस एक्स टाइम्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू एंड प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू ओके okay, एक्स अब तुम्हें पता है क्या करना है सब कुछ एक तरफ करना है राइट साइड जीरो करनी है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करना है तो एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस वाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू और फिर आ, ये दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस साइन थीटा साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू कोई आइडेंटिटी दिख रही है बच्चों ये कॉस ए माइनस बी ठीक है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव बाई टू ठीक है क्या आ जाएगा ये टू थीटा माइनस थीटा माइनस फाइव बाई टू मतलब दिस इज कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू के बराबर ठीक है तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच गया एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस थीटा प्लस फाइव बाई टू ठीक है ये माइनस साइन यहां से और ये एज इट इज अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मुला यूज करना है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन हमें निकालनी है ठीक है तो ए is कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू

और न्यूमरेटर में क्या बच गया ये जीरो ये जीरो और हमारे पास ये वैल्यू बची मॉड के अंदर है ये माइनस गायब हो जाएगा और आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा मॉड ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू के बराबर एंड दिस इज अवर आंसर खुशी समझ में आ गया ओके yes, okay. बच्चों इसको नोट कर लो फिर एक और क्वेश्चन करेंगे हाँ, प्रूव प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस एंड दिस टू लाइन दिस इज बी स्क् ठीक है तो अभी हमारा पॉइंट जो ओरिजिन था बहुत देर से अब वो चेंज हो गया है अब वो पॉइंट कहां पर पहुंच गया एक्स एक्सेस पर पहुंच गया है ठीक है तो अब हमें इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए बी तो चेक कर लेते हैं जल्दी से ठीक है लाइन को फिर से हम किस फॉर्म में लिखेंगे पहले राइट साइड जीरो करके ठीक है तो एक काम करो उसको आ, ऐसे ही रहने देते हैं बल्कि एल्सियम ना लो इसको ऐसे एज इट इज रखो वायपॉन बी साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो ठीक है अब मैंने एक बार इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन लिखी मान लो उसको मैंने बोल दिया P के बराबर ठीक है या P1 लिख दो इसको चलो तो कैसे लिखोगे A व्हाट इज X का कोफिशंट X का कोफिशंट क्या है कॉस थीटा अपॉन ए इंटू एक्स वन ऑफ द पॉइंट रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है प्लस बी बी इज साइन थीटा अपॉन बी इन टू वाई वन वाई वन कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अपॉन मे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्त स्क्टा बाई ए स्क्त एंड बी स्क्त का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क् अच्छा अब टी टू लिख लेते हैं टी टू मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम लाइन तो अभी क्या हो जाएगा ए मतलब कॉस थीटा बाय इन में आ जाएगा माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है प्लस बी मतलब साइन थीटा अपॉन बी ये तो जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस सी एज इट इज और अपॉन में रूट ओवर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर ठीक है हमें चाहिए पी वन पी टू ठीक है अब जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कुछ दिखाई पड़े कॉस थीटा के साथ लिखा है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन है ठीक है ये वाला टर्म गायब हो गया और अपॉन में क्या है रूट ओवर कॉस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ कॉस थीटा बायो ए, ए विथ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस वन है और अपॉन में क्या है द सेम ठीक है मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे जरा ध्यान से देखो बच्चों पहले तो ये जो दो माइनस है ना इसको मैं मॉड के साथ कर दे रही हूं एडजस्ट मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये जो मॉड का साइन है इस माइनस साइन को कर देगा प्लस दोनों से माइनस माइनस कॉमन हो गए ठीक है अब तुम्हारे पास देखो कौन सा फॉर्म है दिस इज ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी ठीक है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब एक चीज और अगर हमारे पास मॉड ए मॉड भी लिखा है तो हम उसको मॉड ए बी भी लिख सकते हैं इसका मतलब मॉड के अंदर तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू ठीक है तो क्या बनेगा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस वन किसी को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया मैंने ठीक है और मॉड के अंदर वो माइनस साइन दोनों थे वो कॉमन होके एडजस्ट हो गए ओके एंड डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट हट जाएगा क्या बचेगा कॉ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वन शेखावत समझ आ रहा है यस नो ओके एलसीएम ले लेते हैं uh, देखो क्या है हमारे पास न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में कॉ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर गायब होगा कॉस स्क्वायर बचेगा माइनस साथ में क्या आएगा बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर ठीक है uh, चलो ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे ही लिख देते हैं कोई नहीं हाँ और डिनोमिनेटर में क्या है ये है बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है न्यूमिनेटर में एलसीएम में ए स्क्वायर आ रहा है यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस वन ठीक है सही लिखा है बच्चों मैंने Yes, मेरे को तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है एक काम करो रुको यहाँ पर अच्छा ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था देखो दिखा रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं लेकर आए ना मैं यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी मुझे लगा नीचे आपने वन के नीचे नहीं लगा रखा अच्छा नहीं नहीं पूरे ने. में ठीक है एंड यहाँ पे मॉड है एंड डिवाइडेड बाय में क्या है बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीक है एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर से कटेगा ये जो बी स्क्वायर बचा है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और अब क्या रह गया हमारे पास जरा देखना के अंदर है इन दोनों से मैंने क्या किया ए स्क्वायर कॉमन किया क्या आएगा कॉ स्क्वायर माइनस वन और साथ में क्या है माइनस बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर ठीक है एंड डिवाइडेड बाय में क्या है बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीक है ये क्या लिखा हुआ है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ये लिखा है माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का बी थीटा बाहर मॉड है अब तुम्हें दिख रहा होगा हम जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा क्यों बच्चों मैंने माइनस को बाहर किया इसको भी इसको भी दोनों टर्म पॉजिटिव हो गए और जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में है तो कट गया मॉड लगा था तो मॉड ने वो माइनस एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है मॉड ऑफ माइनस ए अगर कहीं लिखा है तो तुम उसको ए लिख सकते हो मॉड ऑफ ए ठीक है तो बस ये दोनों कट कट गए दोनों पॉजिटिव हो गए और हमें क्या मिल गया बी स्क्वायर जो कि हमें चाहिए था वो प्रोडक्ट क्या चाहिए था बी स्क्वायर के बराबर तो यही लेकर आना था अख समझ में आ रहा है Yes. अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट तुम्हारे पास दो लाइंस दी हुई हैं और हमें उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए ठीक है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। वन इज एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड द सेकेंड वन इज माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो ठीक है, फाइंड आउट ठीक है अच्छा देखो अब इसमें क्या है अगर लाइंस hmm. को तुम ध्यान से देखोगे तब तुम्हें दिखेंगी ये तो पैरल है यस और नो जैसे तुम इसको टू से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन अपॉन टू इक्वल टू जीरो ठीक है और इतना पार्ट सेम मतलब लाइंस पैरल स्लोप सेम क्योंकि इतना पार्ट सेम मतलब लाइंस का लाइंस का स्लोप सेम है मतलब लाइंस पैरल है और फिर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इज फॉर्मूलाइनसू मॉडुलस ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र तो सी वन इज माइनस थ्री माइनस ऑफ सी टू सी टू इज सेवन अपॉन टू मॉड ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और कितना आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस सेवन यानी कि माइनस थर्टीन बाई टू मॉड ऑफ दैट अपॉन रूट फाइव माइनस से मॉड एडजस्ट uh, हो गया और थर्टीन अपॉन टू रूट फाइव यूनिट सवा आंसर चिंतित है मैम दो दो टू मैम इक्वेशन है ना मैम आपने बनाई है हाँ हाँ। ये टू इक्वेशन समझ में नहीं आए मैम ये दूसरी वाली कुछ नहीं मैंने टू से डिवाइड किया है सेकेंड इक्वेशन नाउलुक लाइक दिस क्यों क्या है क्योंकि मेरे को पैरल लाइन्स के बीच के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना था भाई देखो जो ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना ये तब वैलिड है जब ए हमारी लाइन्स किस फॉर्म में है जब एक्स और वाई के कोफिशंट सेम है बात समझ में आ रही है बच्चों हमारा फॉर्मूला जो सी वन माइनस सी टू वाला है वो तब वैलिड है इसे सी वन इसे सी कर देते हैं जब ए और बी ए एक्स प्लस बी वाई इतना पार्ट लाइंस का सेम है तो अगर नहीं है तो मेक देम सेम हम समझ okay. गया इसलिए हमने टू से डिवाइड कर दिया हाँ हाँ जिससे इतना पार्ट सेम हो जाए और फिर हम फॉर्मूला यूज कर पाए ओके okay. okay इसलिये। इसलिये समझ में आया तो यस मैम आ गया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं मैम कर रहा हूँ एक सेकेंड हाँ लिखो लिखो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तब तक क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस हु परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इज थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डेफिनेटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज थ्री तो हमें पॉइंट ढूंढना है एक्सिस ठीक है तो चेक करो फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट लोगे तो कैसा होना चाहिए वो जीरो कॉमा के टाइप का हु परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज थ्री तो बस डिस्टेंस लिख देते हैं इस इस पॉइंट से लाइन के लिए कैसे लिखोगे मतलब k हो जाएगा फोर मतलब का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर और इक्वल टू थ्री कर देना है के इज द ओनली अननोन तो हो गया हमारा काम कैसे भाई यहाँ पे तुम्हारे पास ये माइनस है ये भी टर्म माइनस है मॉड के साथ हमने माइनस कॉमन लिया अब्सॉर्ब हो गया तो ये बस ऐसा बच जाएगा मॉड ऑफ दैट और अपॉन में कितना है ये हो जाएगा 16 और 9 आता 25 तो 5 और 5 को हमने राइट में ले गए तो 15 अब एक बार तुमने 3k 12 को प्लस 15 से इक्वेट कर देना और एक बार 15 से क्या चिंता आगे मैं

तुम्हारा के भी जीरो आ रहा था या तुमने पॉइंट गलत लिया था भाई ध्यान से काम करो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना खुद से कोशिश करोगे उतना अच्छा समझ में भी आएगा और क्वेश्चन जो नया आएगा उसे अटेम्प्ट भी कर पाओगे ठीक है मैंने बताया देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस में इसी के आते हैं बच्चे ऐसा होता है कि इलेवेंथ का सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके जा रहे हैं समझ गए क्योंकि चार से पांच क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के होते हैं सिर्फ ओके okay, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन y प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वन एंड क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन थ्री वाई प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड दे आर सच दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल तो हमें करना क्या है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल तुम्हें निकाली है ट्राइंगल ठीक है तो इसको ड्रॉ करो और चेक करो कि जो गिवन है उससे हम कैसे अपने आंसर तक पहुंचेंगे ट्राई एवरी वन फास्ट भाई देखो हमारा जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर है ठीक है मान लो मैंने ये लाइन ले ली ठीक है लाइन ले ली x plus अ uh, 2x plus y minus 1 equal to 0 इस फॉर्म में ले लो ठीक है एंड क्यू एंड आर कहाँ पर दिए हैं यार two points on the line this बच्चों सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि चेक करो क्या लाइन हमारी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर दी हुई है या पैरेलल दी हुई है ध्यान से देखो ये लाइन क्या लिखी हुई है अगर थ्री से डिवाइड करते हो तो y ठीक है मतलब देखो एक्स और वाई के कोफिशंट वाला पार्ट फिर से सेम मतलब लाइंस पैरल ठीक है तो सबसे पहला काम यही है कि अपनी लाइंस को चेक कर लो कैसी गिवन है और देखते ही समझ में आ जाता है ठीक है तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो ओके और जो ये क्यू एंड आर है वो हमें यहीं पर दिए हुए हैं ये पॉइंट पी ले लिया मैंने और ये क्यू और आर ले लिया हमें पॉइंट्स ऐसे रखने हैं सो दैट तुम्हें एक एकटर ट्राइंगल मिल जाए फाइन तो हमने बना लिया हमें ट्राइंगल की साइड निकालनी साइड ऑफ द ट्राइंगल ठीक है तो क्या किया जाए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और जो ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी ये तो डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस है ठीक है तो पैरल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फॉर्मुला लगा दिया सी वन माइनस वन माइनस ऑफ सी टू तो प्लस टू हो जाएगा अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी मतलब फोर प्लस वन ठीक है तो कितना आ गया वन अपॉन रूट फाइव तो दिस पी एम इज वन बाय रूट फाइव अगर साइड लेंथ तक पहुंचना है तो अब क्या करना चाहिए और क्या इंफॉर्मेशन है हमें भाई ट्राइंगल इक्विलेटर दिया हुआ है तो तुम्हें यह एंगल पता है और अगर एंगल और एक साइड पता है तो हम ट्रिग्नामेट्री की हेल्प से क्यूएम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे बताना

हाँ साइन सिक्सटी से तो फिर पायथागोरस जाना पड़ेगा या दो बार मतलब दो चीजें तुम्हें यूज करनी पड़ेगी ना अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा चलो ठीक है साइंस सिक्सटी अगर तुम लेते हो तो परपेंडिकुलर मतलब वन अपॉन रूट फाइव और अपॉन में क्या जाएगा पी क्यू ठीक है और हमें क्या चाहिए पी क्यू

नहीं मैंने तो यार मैंने तो ये कहा कि भाई कॉस ले लो कॉस या टैन कुछ भी ले लो तो तुम पहले QM निकाल लो फिर उसका डबल कर दो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं होते हैं अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो कॉनग्रेंट भी है तो जितना QM होगा उतना ही एम आर होगा तो डबल्स करने से भी निकल जाएगा ओके मैम मतलब कैसे भी निकाल लो लेकिन तुम्हें यूज ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी ठीक है और अदरवाइज ये साइन ले लिया तो बस ठीक है बढ़िया है और भी आसान हो गया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन जो अब मैं दे रही हूँ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज इन जेई क्वेश्चन है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस

then area of triangle so formed is ठीक है तो चलो पहले पहले तो ड्रॉ करो और चेक करो कि क्या पूछ रहा है ठीक है और देखते हैं कौन करके दिखाएगा इसे आया है वो देखे भाई देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी से ये जो लाइन है ये अः एक्स अगर हम जीरो डालते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू और अगर मैंने वाई को जीरो करा तो एक्स कितना आ जाएगा थ्री यानी कि ये हमारी ये वाली लाइन है जो जीरो कॉमा टू एंड थ्री कॉमा जीरो से पास हो रही ठीक है तो वन टू थ्री एंड वन टू ये हो गई गिवन लाइन ठीक है लाइन लिख भी देते हमेशा टू एक्स प्लस थ्री वाई टू सिक्स ओके अब तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है दो लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि ओरिजिन से पास हो ठीक है परपेंडिकुलर लाइंस हैं और गिवन लाइन के साथ आइसोसिलस ट्राइंगल फॉर्म करे ठीक है मतलब क्या सपोज मैंने एक लाइन ऐसी ले ली और एक लाइन ऐसी ले ली जो परपेंडिकुलर भी है मतलब बीच का एंगल उनका नाइनटी डिग्री है और गिवन लाइन के साथ साथल फॉर्म कर रही है मतलब ये साइड इस साइड के बराबर भी बात समझ में आ गई ओके yes, okay, तो ये क्वेश्चन है इसको हटा बच्चों तो देखो पहले तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बताती हूँ एक ठीक है बहुत हेल्पफुल है जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़े राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये बिल्कुल ऐसा समझ लो हर जगह इस प्रॉपर्टी से हमारा काम हो जाएगा ठीक है प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सपोज हमारे पास एक राइट right एंगल आईसो ट्राइंगल है ठीक है मतलब ये साइड इस साइड के बराबर और यहां पे नाइनटी डिग्री ओके अब हमने क्या किया अगर यहाँ से इस वर्टेक्स से जहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है यहां से अपोजिट साइड मतलब हाइपोटोनिस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना वो जिस पॉइंट पर मीट कर रही है एसी को एपी पीसी एंड बीपी ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं और हमें एक सर्कल मिलता है जो ए बी सी से पास हो रहा है मतलब P इज सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इस प्रॉपर्टी से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जहां पर भी राइट एंगल आईसोसिलस ट्राइंगल दिख जाए ठीक है अब जैसे अपने ये समझ में आ गया सबको कि P बिहेव लाइक सर्कम सेंटर मैंने एक राइट एंगल आईसोसिलस ट्राइंगल लिया राइट right एंगल वाले पॉइंट से हाइपोटोन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है Uh, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है बेसिकली वो हमें क्या मिल जाता है सरकम सेंटर मतलब वहां से पी ए पी सी और पी बी ये तीनों डिस्टेंसेस सेम होती हैं ठीक है ठीके? मतलब एक सर्कल तुम पास करा सकते हो जो ए बी सी से पास हो रहा होगा ठीक है और पी क्या हो जाएगा हमारा सरकम सेंटर अच्छा अब इसका यहां पे क्या यूज है वो समझ लेते हैं मैंने हमें क्या दिया हुआ था एक राइट एंगल आईसोस एंगल दिया हुआ था मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा ठीक है तो ये डिस्टेंस मतलब अगर ये पॉइंट एम है तो जो ओ एम होगा वही किसके बराबर हो जाएगा क्यूएम के और वो किसके बराबर हो जाएगा एमपी के होगा ऐसा ठीक है अगर ये इक्वल है ठीक है तो हमें और ट्राइंगल का एरिया चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू तो हम कैसे लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस बेस इज क्यू पी इंटू हाइट हाइट इज ओ एम और ओ एम कैसे निकालेंगे ये तो परपेंडिकुलर लेंथ है मैंने यहां से परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ किया है ठीक है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ओ एम की वैल्यू निकल जाएगी ओ एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी line. Line क्या है? 2x 3y 6 0. तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगी अः एक्स वन बी वाई वन वाला पार्ट तो ही हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा रूट ओवर फोर प्लस नाइन ठीक है तो ये हो गया सिक्स अपॉन रूट थर्टीन तो वन बाई टू सिक्स अपॉन रूट थर्टीन तो ये हो गया हमारा ओ एम और क्यूपी कितना हो जाएगा क्यूपी ये और ये दोनों लेंथ सेम है और किसके बराबर है ओ एम के बराबर तो ये हो जाएगा टू इंटू सिक्स अपॉन रूट थर्टीन हो जाएगा या नहीं क्यों बच्चों तो टू से टू गायब और आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन थर्टीन स्क्वायर यूनिट्स ओके खुशी समझ में आया थर्टीन कैसे हुआ? Uh, क्योंकि जितना ओ एम है उतना ही एम पी है और उतना ही क्यू एम है सर्कम सेंटर बन गया ना ये नाउ यू कैन ड्रोमा सर्कल पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट क्लियर है थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूँ हमारे पास मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है मैंने नाइंटी डिग्री वाले पॉइंट से मिड uh, पॉइंट ऑफ हाइपर्टूनस को ज्वाइन किया है ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटनिस है मतलब ये और ये बराबर है ठीक है तो बेसिकली फिर क्या होगा ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी और हमें क्या मिल जाएगा सरकम सेंटर ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटनिस को अगर तुम ज्वाइन करते हो तो हमें क्या मिल जाता है सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी ओके okay, तो बस हमारे पास यहाँ पर यही सिचुएशन थी कि हमने राइट राइट एंगल दिखाई पड़ा मैंने इसके हाइपोटनस से ज्वाइन कर दिया राइट right एंगल को और हमें क्या मिल गया सर्कम सेंटर मतलब ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गए बात समझ में आ भी रही है बच्चों दीपांशु yes. क्योंकि हमें देखो सर्कम सर्कल मिलने का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्कल मिल रहा है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से होता हुआ जा रहा है लाइक like दिस ठीक है और ये तीनों डिस्टेंसेज बराबर है मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल बन गई है ठीक है तो बस ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि हमें एक चीज भी पता है तो फिर हम तीनों चीजों की वैल्यू यू निकाल सकते हैं ठीक है तो दिस इज अवर आंसर आशीष तुम्हें समझ में आया यस yes, ठीक है मैं थोड़ा सा हाँ हाँ भाई ये क्यूपी इधर लिखा हुआ है और ये ओएम लिखा हुआ है अब ठीक है अब ऐसे लिख दो यार दिस इज ओ एम दिस इज क्यूपी और बच्चों ये भी सुन लिया ना कि आइसोसिलस होना जरूरी नहीं है किसी भी ट्राइंगल के लिए ये ट्रू हो जाएगा किसी भी ट्राइंगल इन द सेंस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ओके आशीष यस मैम सिर्फ राइट एंगल के लिए हाँ राइट हो, एंगल right होना चाहिए दैट इज देर राइट एंगल आइसोसिलस दो कंडीशन की जरूरत नहीं है सिर्फ राइट right एंगल होने की जरूरत है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक राइट right एंगल ट्राइंगल है वो तुम किसी भी शेप में रख लो मान लो राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और तुमने इस पॉइंट से मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस को ज्वाइन कर दिया ठीक है तो हमें क्या मिल जाता है सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल और सरकम सेंटर क्या होता है वो उस सर्कल का सेंटर जो तीनों वर्टिसेस जो राइट एंगल लिया था उसके वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस किसकी तरह से काम कर रही है रेडियस की तरीके से ठीक है तो ये तीनों वैल्यू सेम हो जाती है ओके okay, देखो मैंने उल्टा करके भी दिखा दिया कि वाई दिस इज हैपनिंग ओके okay, अभिनव बोल रहा था अभी यस ठीक है आगे बढ़े दो तो, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम नेक्स्ट फॉर्म पे आएंगे अपनी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन तो देखो क्वेश्चन है इफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बायक् सीवल टू जीरो ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाय प्लस सी इक्वल टू जीरो एक्स प्लस बीवाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर डायगनल ठीक है तो तुम्हें रिलेशन लेकर आना है ए बी ए डैश एंड बी डैश में यू हैव गॉट फोर ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश या फिर नन ऑफ दीज ठीक है तो चेक करो जरा ऑर्डिलेटर फॉर्म बाय द लाइंस देखो मैंने क्या बताया लाइंस देखते ही सबसे पहले चेक करो कि क्या कोई लाइंस परपेंडिकुलर पैरेलल कुछ दिखाई पड़ रही है ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है ए एक्स और बीवाई वाला पार्ट सेम है है ना और ये लाइन इस, इस, ये लाइन इसके पैरल दिख रही है ठीक है और डायगनल परपेंडिकुलर है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पैरलोग्राम विद डायगनल परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया वो रॉम्बस होगा या नहीं होगा बच्चों बोलो क्यों नमदिता अरे बताओ भाई क्या हो गया सबको ये लाइन अगर ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो ये वाली साइड हो जाएगी ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो फिर हमने ये ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ले ली तो ये हो जाएगी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो ठीक है और डायगेल्स परपेंडिकुलर मतलब ये रोमबस का केस ठीक है अच्छा देखो अब रोमबस की एक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि तुम्हारे ऑप्शंस में हर जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं तो ये टर्म कहां से कहां से लेकर आओगे रोमबस की प्रॉपर्टी क्या होती है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस सेम होती है और देखो वैसे तो यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है मैं एक काम करती हूँ तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ तुम्हें पता था आशीष डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन्स सेम मैम ये तो पता होता है यस मैम प्रूफ कर सकते हो देखो मैम प्रूफ शायद तो नहीं कर सकता भाई देखो तुमने मान लो डिस्टेंस लिखनी है पैरल लाइन्स के बीच में तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ठीक है सिमिलरली यहां से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ठीक है ये पी वन है और ये पी टू है ठीक है तो अब जरा ध्यान से देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है।, है या नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, है, नहीं, है, नहीं है। ये 90 ये 90 ये साइड सेम साइड की लेंथ सेम है ठीक है और तीसरी चीज क्या मिलेगी बताओ बताओ क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा आ, वर्टिकली अपोजिट हाँ वर्टिकली अपोजिट ही है ठीक है ठीक है वर्टिकली अपोजिट ही है मेरे को लगा कि, ठीक है ओके तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट दे आर फोर पी वन इज सेम एज पी टू यानी कि दोनों पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम तो अब हम क्या कर सकते हैं इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या काूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र और अदर टू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे ये हो जाएगा सी माइनस सी डैश अपॉन रूट ओवर ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर ठीक है ये कैंसिल हो गया स्क्वायर कर दो दोनों तरफ रेसिपोकर ले लो और हमें सी ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा करेक्ट क्लास में आ गए हो यस yes, मैम आ गया समझ में आ गया क्वेश्चन हाँ ठीक yes, है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अच्छा अब क्वेश्चन नहीं अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन and that is point slope form. point slope to slope intercept slope intercept form. Kaun si form slope form form तो intercept intercept कौन सी फॉर्म होती है बताएगा कोई मैम इसमें स्लोप दिया होता है और इंटरसेप्ट दिया होता है या इंटरसेप्ट सिर्फ नहीं नहीं वाई इंटरसेप्ट दिया होता है दिया होता है हाँ और फॉर्म पड़ी हुई है तुम्हारी वाईज याद आ गया ये ठीक है तो हमें बेसिकली एक लाइन लिखनी है जिसके बारे में हमें क्या पता है कि उसका स्लोप क्या है ठीक है और उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है ठीक है वाई इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी वैल्यू पे कट करके जा रही है ठीक है तो मान लो दिस वैल्यू इज सी तो पॉइंट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें पॉइंट पी का और अगर हमें ये लाइन लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई तुम्हें सम और सी को रिलेट करना है ठीक है और लाइन लिखने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है कि एक इन जनरल हमें एक पॉइंट कंसिडर करना होता है ठीक है विच लाइज ऑन द लाइन हाँ तो इक्वेशन लिखनी है तो मैंने एक्स कॉमा वाई लिख लिया अब कैसे रिलेट करोगे तुम्हारे पास टू पॉइंट्स हैं तो हम स्लोप लिख सकते हैं और स्लोप हमें गिवन भी है तो स्लोप से इक्वेट कर देंगे ठीक है तो बस y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस जीरो को इक्वेट कर दिया हमने m से और हमें मिल गया y माइनस सी इज एम एक्स विच इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है तो अगर तुम्हें लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन है और उसका स्लोप पता है तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्म यूज कर सकते हो ठीक है और अदरवाइज तो हम देखो पॉइंट लो फॉर्म ही हर जगह लगा रहे हैं बट मैंने जैसे बताया कि जब क्वेश्चन में ऐसा डेटा गिवन हो कि जो एम और सी के फॉर्म में हो तो यूज दिस लाइन या लाइन को कभी कंसीडर करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ठीक है तो ये भी कंसीडर कर सकते हो इसमें तुम्हें एम और सी की वैल्यू पता चल जाएगी तो पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी तो एनी anyway, क्वेश्चन करते हैं इसको यूज करके लिया ये लिखिए मैम यस मैम ओके सो देखो क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ फाइव फाइव यूनिट्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ फाइव यूनिट्स on negative direction of y-axis a yeah, negative side of y-axis and makes an angle 120 degrees with positive direction of x-axis ठीक है तो चेक करो कि क्या गिवन है और आंसर कैसे लिखेंगे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कौन सी लाइन लेके आनी है ठीक an है तो अगर हमें बेसिकली वाई इंटरसेप्ट माइनस फाइव दिया हुआ है तो इसका मतलब है लाइन हमारी इस पॉइंट से पास हो रही होगी और x एक्सिस की पॉजिटिव साइड से 120 डिग्री एंगल बना रही है मतलब लाइन इज गोइंग लाइक दिस ठीक है प्रथम यस यस मैम यस मैम ओके तो बस अब तुम्हें क्या करना है अ uh, m हमें पता चल गया tan 120 से m की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी दिस इज tan 90 30 90 30 मतलब माइनस cot 30 व्हिच इज माइनस रूट थ्री ठीक है तो m पता चल गया और सी पता चल गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से डायरेक्ट तुम आंसर लिख सकते हो ये एम एक्स हो गया और ये सी हो गया ठीक है सब कुछ लेफ्ट में करोगे तो यही लाइन आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ एंड इंटरसेप्ट माइनस वन फ्रॉम वाई एक्सेस एंड बीइंग इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सेस ठीक है तो एक्सेस एक्सेस यहाँ पर मतलब है दोनों एक्सेस तो दोनों एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है और माइनस वन का इंटरसेप्ट कट कर रही है ऑन वाई एक्सेस फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट माइनस वन फ्रॉम एक्स एक्स सॉरी फ्रॉम वाई एक्सेस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ठीक है तो जरा देखो कि कैसे दो केसेस पॉसिबल है अगर हमारी लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के साथ सेम एंगल बना रही है इंक्लाइन मतलब सेम एंगल बनाना, तो लाइन तो तुम्हारी ऐसी हो सकती है और ऐसी भी तो हो सकती है क्यों बच्चों? ये एंगल इस एंगल के बराबर है एंड ये एंगल इस एंगल के बराबर इस फॉर्म में भी तो हो सकता है ठीक है लेकिन हमें लाइन की क्वेश्चन लिखने के लिए लाइन का स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए ठीक है एंड हाँ बताओ जो जो एक्स वाले एंगल है वो दोनों भी और एंगल के इक्वल है तो अगर ये डिग्री है तो 45 45 हो गया तो मैं एक दूसरी भी तो 45 भी हाँ ये 45 होगा लेकिन हमें तो स्लोप चाहिए और उसके लिए तो ये एंगल चाहिए इजेंट इट तो ये तो 135 है ना होगा ऐसा और सेम यहाँ पर कि ये 45 ये 45 ओके तो ये 45 यही तो स्लोप है मतलब tan ऑफ दिस एंगल ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ m की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं एक बार tan 135 और एक बार 45 यानी कि माइनस वन एंड वन जबकि हमारा y इंटरसेप्ट मतलब c दैट इज वन गिवन ठीक है तो बस y mx c में एक बार तुम तो -x माइनस वन लिखोगे और एक बार क्या लिखोगे एक्स माइनस वन ठीक है क्योंकि M is शिखावत समझ में आ गया yes, हो गया था प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट फॉर्म पे आएंगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज स्लोप थ्री यानी कि एम हमें थ्री दिया हुआ है ठीक है विच विच मेक्स ट्राइंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो स्लोप अगर थ्री है इसका मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव है और एरिया कितना फॉर्म कर रहा है वो लाइन विद द एक्सेस टू यूनिट्स का ठीक है तो हमें काम कर लें हमने मान लो लाइन ऐसी ले ली पॉजिटिव स्लोप के साथ लेकिन तुम लाइन को तो ऐसे भी ले सकते हो स्लोप सेम है और वो भी एक्सेस के साथ टू स्क्वायर यूनिट्स का एरिया कट कर रहा है ठीक है तो एक काम कर लेते हैं लाइन की इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सी ठीक है अब हमारा एम क्या रहेगा कि ये c की वैल्यू निकालना ठीक है तो अगर y गोड एम एक्स प्लस सी लाइन कंसिडर करते हो तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो इंटरसेप्ट कंसिडर किया है वो c है और अगर ये आ, से ये a है ये b है और ये o है तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया तुम्हें टू स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है ठीक है यानी कि हाफ इंटू बेस इज ओ ए इंटू हाइट ओ सी सॉरी ओ बी किसके बराबर टू के बराबर एंड ये मॉड में भी होता है ठीक है तो इज़ हाउ मच ओ ए की वैल्यू कैसे मिलेगी ये वैल्यू निकालनी है तो वाई को जीरो कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई थ्री ठीक है तो हमने ओ ए लिख दिया ये हो जाएगा माइनस सी बाई थ्री और ओबी ओबी इज सी ठीक क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने हर जगह मॉड लगा दिया बेसिकली ये पूरी पूरा एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है ठीक है तो ये कितना आ गया सी मॉड तो से ये माइनस हटी जाएगा और राइट right साइड में कितना आ जाएगा ट्वेल्व तो सी की वैल्यू देखो अपने आप दो आ रही है टू रूट थ्री तो बस वन लाइन इज वाईक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू रूट थ्री एंड द अदर वन इज थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री क्यों मानव सबको yes, समझ आ गया ठीक yes, yes, है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं एंड दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन छोटा सा टॉपिक है फटाफट देख लेते हैं देखो नॉर्मल फॉर्म पे बेस क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं क्योंकि देखो हर जगह वही पॉइंट दो फॉर्म यूज हो रही है लेकिन फिर से वही है अगर डेटा क्वेश्चन में ऐसा गिवन है अब देखो कैसा है इसमें तो बहुत ही अलग चीज है तुम्हें लगेगा ये क्या दे दिया मान लो हमें गिवन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ठीक है और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं नॉर्मल इसी को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भी बोल सकते हैं ठीक है तो एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्सेस ठीक है तो अब देखने में तो बहुत बियर्ड लग रहा है लेकिन जरा ध्यान से देखो हम बहुत आराम से ये लाइन लिख सकते हैं हमें वो लाइन लिखनी है जिसके बारे में हमें क्या पता है मान लो ये लाइन है जो रिक्वायर्ड है और हमें गिवन क्या है कि अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी कह सकते हो ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है से ये पी के बराबर है ये हमें गिवन है ठीक है एन एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मल भी बोलते हैं ठीक है थीके, तो एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, मतलब ये एंगल इसको बोल दिया मैंने ओमेगा ठीक है तो ये ओमेगा गिवन है और तुम्हें लिखना क्या है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन एल अब इन दोनों की हेल्प से एल लाइन तक कैसे पहुंचा जाए क्या करना होता है हमें लाइन लिखने के लिए हमें लाइन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए और लाइन का स्लोप चाहिए अब जरा ध्यान से देखो अगर हमारे पास इस पॉइंट को मैंने एम बोल दिया स्लोप ऑफ ओ एम अवेलेबल है स्लोप ऑफ ओ एम ओ एम क्या हो जाएगा टैन ओमेगा हो जाएगा ना अगर एंगल गिवन है तो टैन ऑफ दिस एंगल इज स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप ऑफ ओ एम लेकिन रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ एल दैट इज माइनस कॉट ओमेगा तो माइनस वन अपॉन कर दिया तो हमें किसका मिल गया एल का स्लोप मिल गया अब पॉइंट पॉइंट पर आते हैं point के लिए मैंने क्या किया यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ठीक है अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें हाइपोटेनस की लेंथ पता है और एंगल पता है ठीक है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पी कॉस ओमेगा और ये कितनी हो जाएगी पी साइन ओमेगा और अगर ये दोनों पता है तो हम एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इट इज पी कॉस ओमेगा और स्लोप भी मिल गया तो हम लाइन लिख सकते हैं लिख देते हैं वाई माइनस वाई वन वाई वन मतलब पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू एम एम क्या है माइनस कॉट ओमेगा तो इसको एक काम करो माइनस कॉस अपॉइन साइन के फॉर्म में लिख लो इन एक्स माइनस एक्स वन मतलब एक्स माइनस पी कॉसगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने तो क्या आ जाएगा वाई के साथ साइन माइनस पी साइन स्क्वायर और इसको अंदर लेके जाओगे तो माइनस एक्स कॉस उमेगा हो जाएगा एंड प्लस का पी कॉस स्क्वायर उमेगा ठीक है इसको इधर कर दो और इस टर्म को मैंने राइट right में कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स कॉस उमेगा प्लस वाई साइन उमेगा इज इक्वल टू पी क्योंकि तो कॉ स्क्वायर साइन स्क्वायर हमें वन दे देंगे दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें इस लाइन में इस लाइन को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एंड ओमेगा क्या है एंगल मेड बाय दर्पेंडिकुलर अब नॉर्मल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस बहुत स्पेसिफिक है बच्चों ठीक है और तुम्हारे स्कूल में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक लाइन दे दी और उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो ठीक है तो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ देखो कैसे करोगे ये पहले, पहले फॉर्म ये लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं दिस इज नॉर्मल फॉर्म भाई देखो क्वेश्चन दो तरीके के पॉसिबल हैं एक जिसमें हमें डेटा बिल्कुल वैसा दिया होगा जिस फॉर्म में हमने लाइन को पढ़ा पढ़ाए स्टडी है ठीक है थीके? हमें पी की वैल्यू मिलेगी और ओमेगा पता होगा ठीक है तो इस क्वेश्चन में पी और ओमेगा गिवन था बस यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा हमारा काम कहां पर इंक्रीज किया हुआ है कि साइन फिफ्टीन और कॉस फिफ्टीन लो ठीक है क्योंकि हमें कॉस ओमेगा साइन ओमेगा चाहिए ओके तो मैंने साइन फिफ्टीन कॉस फिफ्टीन निकाली है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से और जस्ट पुट व वैल्यूज ऑफ कॉर्स ओमेगा साइन ओमेगा एंड पी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल मतलब नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है डायरेक्ट लाइन की क्वेश्चन अब दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है और उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है उसको और एक बार चेक कर लेते हैं इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है नो मैम इंटू नॉर्मल फॉर्म ठीक है

ठीक है तो पी और उमेगा ढूंढना इज अवर एम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या चाहिए जो ये कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करता है इसका मतलब है वो राइट right साइड में होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ठीक है तो मैंने क्या किया रूट थ्री एक्स प्लस वाई को एक साइड रखा और एट को कर दिया ऑन द अदर हैंड अदर साइड ठीक है अगर बाय चांस ये एट नेगेटिव हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा माइनस का मल्टीप्लाई सो so तुम पी को पॉजिटिव रख पाओ ठीक है अब हमें ये वाला टर्म कॉस में चाहिए जो एक्स के साथ लिखा है और जो वाई के साथ लिखा है वो चाहिए साइन में यहाँ पे वन लिखा है तो वन किस में चाहिए साइन के फॉर्म में ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे वी विल यूज अवर मैजिक नंबर ठीक है क्योंकि हमें एंगल सेम रखते हुए ये वाला टर्म कॉस में और ये वाला टर्म साइन में चाहिए तो वी विल यूज अवर मैजिक नंबर रूट ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करोगे तो रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा एंड कोफिशेंट ऑफ वाई का स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ से टू मिल जाएगा अब इस टू को कर दो डिवाइड पूरी इक्वेशन में ठीक है तो क्या मिलेगा रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस वन अपॉइंट टू वाई इज इक्वल टू फोर तुम्हें अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना होता और अपना काम भी बनाना होता है ठीक है तो मैंने पूरी क्वेश्चन में इस से कर दिया, अब तुम्हें ये सोचना है, कि ये वाला और ये वाला अगर का है और दोनों टर्म पॉजिटिव है तो कौन से में होंगे सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट क्वार में साइन और कॉज दोनों पॉजिटिव होते हैं ठीक है और कॉज रूट थ्री बाय टू कौन से एंगल पे देता है बच्चो बच्चों कौन से एंगल पे देता है थर्टी बस बात खत्म हो गई हमें क्या मिल गया एक्स कॉस थर्टी प्लस वाई साइन थर्टी और ये साइन का चेक करने की जरूरत नहीं है तुमने मैजिक नंबर यूज किया हुआ है तुमने सारी चीजें ऑलरेडी अपने आप अरेंज हो जाएंगी ठीक है एंड दिस इज अवर नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन तो हर फॉर्म को हर लाइन को तुम क्या कर सकते हो नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो ठीक है तो ये समझ में आ गया है आई होप सबको अभी एंगल में गड़बड़ होएगा अभी मेरे को पता है इतने किसी को याद नहीं होगी आधे बच्चे गलत करेंगे चेक कर लेते हैं मा, मैम डाउट है हाँ हाँ बताओ बताओ मैम मैंने जैसे इसके अंदर स्लोप निकाल के ओमेगा निकालने की कोशिश करी तो उसके अंदर वन ट्वेंटी आ रहा था एंगल ओमेगा का कैसे मतलब हम जो स्लोप आएगा वो तो माइनस रूट थ्री आएगा ना अगर हम उस इक्वेशन को देखेंगे तो आ, इसका स्लोप माइनस रूट थ्री आ रहा है रूट ए बाई रूट ए मतलब सॉरी माइनस ऑफ ए, ए बाई बी से हाँ मैम हाँ तो यहाँ से भी तो स्लोप सेम ही आ रहा है मैम ये तो हमने परपेंडिकुलर का एंगल निकाला है एग्जैक्टली exactly, सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो अच्छा गॉट इट हाँ देखो ना वरना तो इस लाइन का भी सेम तो सेम ही लिखा है वैल्यू तो सेम ही इसका स्लोप चेक कर लो वही लिखा है माइनस इसमें भी तो लगेगा समझ में आ गया मैम ठीक है ठीक है ओके नम्रता क्लास में हो या गायब हो मैम हूँ क्लास में हाँ बोला नहीं था तुमने पहले इससे मेरे को लगा और कौन बच्चा गायब अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है बच्चों तो आप जरा तुम लोग एक कन्वर्ट करके देखो एक लाइन दे रही हूं मैं सपोज हमारे पास लाइन है x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो यू हैव टू राइट दिस लाइन इन टू नॉर्मल फॉर्म ठीक है लिखो देखो सुनो मेरी बात हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है एक्स कॉस उमेगा प्लस वाई साइन उमेगा इज इक्वल टू पी फॉर्म में ठीक है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक्स और वाई का टर्म लेफ्ट में और कॉन्स्टेंट जो है वो उसे राइट right में कर दिया ठीक है अब क्योंकि p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट कांट बी नेगेटिव तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस uh, का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा प्लस का रूट थ्री वाई आ जाएगा और राइट right साइड में एट ठीक है अब तुमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है साइन और कॉस के लिए एंगल ढूंढना है ठीक है और हम यूज करेंगे अपना मैजिक नंबर तो माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर से टू आएगा टू से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को माइनस वन अपॉइंट टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू वाई इज इक्वल टू फोर ये आ गया यहाँ तक ओके अब देखो ये वाला टर्म कॉस का है और ये साइन का होना चाहिए कॉस नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में मिलता है में क्वार इट cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव ठीक है अब तुम ये सोचो कि वन बाई टू वन बाई टू जो वैल्यू है वो कॉस में किस एंगल पे होती है सर वन बाई टू को सिक्सटी डिग्री पर होती है तो सेकेंड क्वारंट में सिक्सटी एंगल को कैसे लेकर आओगे पाई माइनस सिक्सटी से मतलब वन एट्टी माइनस सिक्सटी से ठीक है समझ आया या नहीं आया भाई तुम्हें तो एंगल चाहिए ना? Cos करे, और sin करे तो पे cos करता है. Pi pi 3, so so बस इसको यहाँ पर लिख दो मतलब सिक्सटी uh, करोगे तो वन ट्वेंटी आ जाएगा तो so हम लिखेंगे एक्स कॉस वन ट्वेंटी प्लस वाई साइन वन ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म क्लियर है अभी सबको मैम ये ऊपर वाले तक मैंने कर लिया था सीबीएसई का बट जब एंगल आया वो थोड़ा हाँ वो वहीं पे तो दिक्कत आती मैं वही तो कह रही थी अभी आधे बच्चे गलत करेंगे इसे समझ आ गया वैसे क्या करना है करो एक और करो मैम एंगल का थोड़ा बता दो एंगल का यार देखो तुमने बस ये चेक करना है कि भाई अगर मान लो आ, कॉज नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में मिलेगा तुम्हें साइन कॉज मतलब साइन कॉज की अभी तो हम बात कर रहे हैं तो साइन कॉज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव वो सब पता होना चाहिए जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉज पॉजिटिव होता है पता है या नहीं है? Yes, हाँ, पता है तो बस उसके अकॉर्डिंग अपने क्वाड्रेंट में पहुंच जाओ ठीक है अब जरा चेक करो देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझ समझो देखो एक कर पा रहे हो या नहीं x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर कन्वर्ट दिस लाइन इन नॉर्मल फॉर्म चेक करो सबसे पहले हमने देख लिया कि हाँ ये राइट right साइड में है पॉजिटिव भी है इसका मतलब बस हमें साइन कॉर्स के लिए वैल्यूज देखनी है तो क्या करेंगे मैजिक नंबर मैजिक नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर ठीक है तो वन प्लस वन से वैल्यू आ जाएगी रूट टू रूट टू से डिवाइड कर देंगे वन बाय रूट टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू वाईक्वल टू फोर बाय टू ठीक है यहाँ पर रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो तो ये कितना आ जाएगा टू रूट टू ठीक है तो एनी anyway, वे ये इज इक्वल टू ये आ गया ठीक है अब तुम्हें ये देखना है कि क्योंकि हमें x के साथ cos और y के साथ sin चाहिए होता है और x पॉजिटिव और y नेगेटिव है मतलब y का कोफिशिएंट नेगेटिव है दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट यस और नो क्यों बच्चों कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव यस मैम यस मैम तो इसका मतलब मैं इस कॉर्डेंट में लेकर आना है और तुम्हें पता है वन बाय रूट टू कब मिलता है पाई बाय फोर एंगल पे मिलता है और पाई बाय फोर को अगर फोर्थ में लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा टू पाई माइनस पाई बाय फोर करना पड़ेगा yes, हाँ, 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 ठीक है तो बस x cos 315 वन फाइव प्लस वाई साइन थ्री तुम्हारा ये जो यहाँ पे प्लस साइन है ये चेंज नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल एज इट इज आना चाहिए ठीक है और राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ठीक है ना एक, एक लास्ट और कर दो फिर क्लास खत्म करते हैं ठीक है एक ये वाला क्वेश्चन और करके देख लो सबका हो रहा है नहीं अब इस बार सब सबका सही आना चाहिए क्वेश्चन है रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो Convert this line into normal form. प्रथम तुम्हें समझ में आ रहा है या फ्रिग्नोमेट्री yes, सब फ्रिग्नोमेट्री की गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है तो फटाफट इसका आंसर अच्छा ठीक है वेरी गुड वेरी गुड तो इसका आंसर अच्छा, तो तो कर दो बस तो थोड़ा हाँ तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन ठीक तो है तो आई होप सबको क्लियर है ठीक है तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है टेन पॉइंट थ्री टेन पॉइंट टू अगर नहीं करिए तो कंप्लीट करोगे प्लस टेन पॉइंट थ्री हो जानी चाहिए एंड प्लस वर्कशीट वन कंप्लीट ठीक है और उन सब से पहले क्लास रिवाइज ठीक है इतना काम करो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक है अभी टू मोर क्लासेस लगेंगी वह हमारा ये टॉपिक खत्म होने में स्ट्रेट लाइंस ठीक है तो फटाफट खत्म करते हैं इसको चलो फिर ओके बाय